हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सुपर रिएक्शन ऑफ पाकिस्तान। मैं हूं सुहेल अब्बास और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो एक गाने पे मैं रिएक्शन दूंगा, तेरी मिट्टी। बी प्रॉक ने इस गाने को गाया है, केसरी फिल्म से ये गाना लिया गया है। अक्षय कुमार जी, परिणीति चोपड़ा और बी प्रॉक की आवाज़ है। मनोज मुंतशिर आई थिंक इनके लिरिक्स होंगे। जी म्यूज़िक कंपनी की तरफ से इस गाने को रिलीज़ किया गया था और ये गाना मैं सुनने जा रहा हूँ आपके साथ। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट हमेशा आपसे करता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली आप तक पहुँचते रहें। जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। तेरी मट्टी 1 2 3 स्टार्ट नाउ। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी इस गाने की, मैंने कहा हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। awesome. मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू।
इस गाने ने मुझे रुला दिया कम्प्लीटली। मैं अंदर से रो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे पेन हो रही है अंदर से, बहुत ज़्यादा टूट गया हूँ ये गाना सुन के। इतना इतनी एनर्जी इस गाने में, इतने इसके अच्छे लिरिक्स, और जिस तरह इस गाने को पिक्चराइज किया गया, मैं समझता हूँ कि वो इंसान ही नहीं कि जो ये गाना सुनकर रोए ना, या जिसका दिल भर ना आए, ठीक है, वो मुहिब्बे वतन ही नहीं है, ठीक है, उसको अपने मुल्क से, अपने देश से प्यार ही नहीं है, ये जो ये गाना बंदा अपने मतलब सुन के अपनी आँखों से, अपने कानों से, और बंदा रोए ना, मैं समझता हूँ कि वो इंसान का दिल नहीं रखता कम अज़ कम। इतना आउटस्टैंडिंग लिरिक्स और इतनी खूबसूरत अदायगी बी प्राक की, यार इमोशनल कर दिया। और मैं इस बंदे का बहुत तगड़ा फ़ैन हूँ, बड़ा बड़ा मैंने इसको सुना है, और ये गाना स्पेशली इस गाने से ही बी प्राक जो है वो फेमस हुए हैं। और अक्षय सर ने भी ये कहा था कि यार मेरी ज़िंदगी का जितनी भी मैंने आज तक फिल्म्स की हैं, सबसे अच्छा गाना मुझे ये लगा, ठीक है, जो बी प्राक ने इस फिल्म केसरी के लिए गाया, बड़ी अच्छी फिल्म भी है, और ये गाना माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा गाना है, सुपर हिट गाना है, ठीक है, मुझे तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी तारीफ़ मजॉरिटी कर दे, जिसकी तारीफ़ इतनी ऑडियंस देखें, कितने उसके लाइक्स हैं, कितने उसके व्यूज़ हैं, ये गाने का रिस्पांस बता रहा है। और मैं समझता हूँ कि यार इससे बढ़कर गाना दोबारा नहीं बनेगा, ठीक है, आप देख लेना। मेरा रिएक्शन अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए खुदा।